Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सभापति महोदय, आज मैं आपके समक्ष एक गंभीर समस्या रखना चाहूँगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत, विशेषकर जंगली रमी जैसे खेलों के संदर्भ में है। इस डेंजरस ट्रेंड का एनालिसिस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खेल न केवल युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी गहरी छाप छोड़ रहा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 2025 तक $30 बिलियन पहुंच जाएगा। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जंगली रमी का भी है, जिसमें पैसे दाव पर लगाए जाते हैं, और इसकी लत ने कई लोगों की ज़िंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जंगली रमी खेल की लत की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि नेशनल काउंसिल के अनुसार 2023 में ऑनलाइन गेमिंग के कारण 30% युवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 3.5% ऑफ द इंडियन एडोलसेंट्स सफर फ्रॉम गेमिंग डिसऑर्डर। इसमें 40% लोग अत्यधिक पैसे की लत का शिकार हो चुके हैं, और कई केस में तो ये गेम्स व्यक्तिगत और पारिवारिक वित्तीय संकटों का कारण बन गया है, और आगे जाकर उधार के कारण कृपया लोग आत्महत्या करते हैं। कृपया थोड़ा संक्षिप्त कर दें, खत्म करो सर। जंगली रमी की विशेषता यह है कि एक बहुत ही आकर्षक और जल्दी जीत की उम्मीद देता है, लेकिन जब खिलाड़ी हार जाता है तो अधिक खेलने की कोशिश करता है और उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती है। हमें इस मुद्दे के प्रति जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है। यह आवश्यकता है कि हम स्कूलों, कॉलेजों और समाज के अन्य हिस्सों में गेमिंग की लत से जुड़े खतरों के बारे में जानकारी फैलाएं, साथ ही कड़े नियम और विधायक कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में अनुशासन और नियंत्रण स्थापित किया जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहे और इस लत से बच सके। धन्यवाद सर।